पता है हरामी हो। अच्छा, तो कह रहे हैं कि वीडियो देखकर फैसला कर लें कि क्या आप भी ऐसी लड़की से अपने दोस्तों को मिलाना चाहेंगे। तो भाई इसका मतलब क्या है, मतलब क्या साबित करना क्या चाह रहे हो? वो कहते हैं ना मीम्स में, अरे करना क्या चाहते हो? तो ऐसी बात है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसपे पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है, कि ऐसे ऐसे थंबनेल्स हमारे सामने आते हैं यूट्यूब पे स्पेशली जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, और स्पेशली जिसमें लड़की हो और फिर उसके बारे में कुछ ऐसी बात हो कि आपको जानना लाजमी हो जाए कि यार अब तो ये देखना पड़ेगा आखिर इस वीडियो में है क्या ऐसा, मतलब अट्रैक्शन होती है ना इस थंबनेल्स में। तो ऐसी थंबनेल्स लोग बनाते हैं, अंदर वीडियो में कुछ भी नहीं होता। जैसे कि अभी आप मुझे गालियाँ दे रहे होंगे कि यार हमने सोचा था कोई लड़की होगी वीडियो में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बस भाई साहब बोली जा रहे हैं। तो असल में ये मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी थंबनेल्स ना लगाया करें। एक तो ये है कि ऐसी थंबनेल्स मतलब एक वो सदका जारिया होता है, तो इसका अपोजिट जो है वो गुनाह जारिया। मतलब आप ये थंबनेल लगा लेते हैं उसके ऊपर लड़की की फ़ोटो है और नीचे आपने कुछ ऐसी लिखाट की है कि जिससे ये जाहिर हो कि वीडियो में कुछ 18 प्लस है, असल में वीडियो में कुछ भी नहीं होता। हाँ, मोस्टली जो जर्नलिस्ट होते हैं वो रात को 11 से 12 बजे तक रोड्स पे वो जो कोई बेचारा ख्वाजा सराज उसको कहते हैं वो खड़ा हो, या फिर इस तरह के जो लड़कियां होती हैं बेचारी जो बेबस हो और जो जिस्म फरोशी वाला जो काम करती हैं, तो ऐसे लोगों के पास वो जाकर कैमरे में उनको उनका फेस बार बार कोशिश करते हैं कि वो दिखाया जाए आपको, और उनसे सवालात पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी और ये सब क्यों कर रहे हो और किस वजह से कर रहे हो, कितने पैसे कमा लेते हो या ऐसा करके। तो मेरे ख्याल से ये सब नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे। इसके बारे में आपको ये जानना ज़रूर है कि हमारे दीन इस्लाम में जैसे कि सवाब का काम है, अगर आप कोई सवाब का काम कर देते हैं जो जिसको सदका जारिया कहते हैं, मतलब जैसे कि किसी मदरसे में आपने कोई पंखा लगा दिया, तो जब तक वो पंखा चलता रहेगा तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। भले ही आपकी फौतगी हो जाए, आप मर जाए, आपको कब्र तक सवाब मिलता रहेगा। मतलब जब तक वो पंखा सही सलामत है और चलता रहे तब तक आपको सवाब मिलता रहे। तो ठीक ऐसे ही गुनाह का भी काम है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं मोस्टली टीन एजर्स होते हैं, तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसी तरह से मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे थंबनेल्स या फिर ऐसी फ़ोटोज़ ना अपलोड कर दिया करें सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, कि जहाँ से आपको फिर गुनाह उस लेवल पे मिल जाया करे कि फिर आपकी बख्शिश होना भी पॉसिबल ना हो। जैसे कि अभी आपने किसी फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई ऐसे फ़ोटो अपलोड कर दी कि जिससे दूसरे इंसान को वो लड़की अट्रैक्टिव नज़र आए, मतलब किसी लड़की की फ़ोटो हो ना या फिर ऐसे कोई 18 प्लस फ़ोटो हो जो आपको नहीं लगानी चाहिए लेकिन आपने लगा दी है, तो ऐसे में जाकर फिर आपको वो फ़ोटो आपके लिए अजाब बन जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप मर भी जाते हैं लेकिन तब भी सोशल मीडिया पे आपकी वो पोस्ट, वो फ़ोटो मौजूद है और लोग आकर वो देखते हैं, फिर जो आंखों का उनका जिना होता है, जो उनका वो वीडियो वगैरह आपने अपलोड की हुई है, फिर वो जब सुनते हैं उनकी बातें और जो वो अट्रैक्शन होती है, जो जिना की तरफ माइंड डाइवर्ट होता है, तो ये सारा कुछ जो क्रेडिट होता है इसका वो आपको जाता है। मतलब गुनाह आपके सिर लिखा जाता है आपके अमालनामे में। देख कोई और रहा होता है उसको अपने हिसाब का गुनाह मिलता है, लेकिन आपको इस बात का गुनाह मिल रहा है और मिलता रहेगा जब तक ये वीडियो YouTube पे है या Facebook पे है, जब तक ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे है। तो काइंडली ऐसे फ़ोटोज़ या वीडियोस अपलोड करने से हज़ार दफ़ा पहले सोच लिया करें कि आप कितना बड़ा और अजीम गुनाह करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ढेर सारे कमेंट्स एंड शेयर्स एंड जो भी कुछ होता है YouTube पे वगैरह वगैरह वो सब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।